आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर। ब्रिटिश क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड का सोमवार देर रात अंतिम संस्कार संपन्न हुआ। उन्हें किंग जॉर्ज मेमोरियल सिक्स चैपल में पति प्रिंस फिलिप के बगल में दफनाया गया। यह विंडसर कासल में मौजूद सेंट जॉर्ज चैपल का ही एक हिस्सा है। इस जगह दफन की जाने वाली शाही परिवार की वो 11वीं सदस्य बनी। क्वीन के पिता किंग जॉर्ज सिक्स के अलावा माँ और बहन भी यहीं दफन की गई थी। क्वीन का निधन 8 सितंबर को हुआ था। क्वीन का अंतिम संस्कार दो तरह से हुआ, पहला स्टेट फ्यूनरल यानी राजकीय सम्मान के साथ, दूसरा प्राइवेट फ्यूनरल यानी पारिवारिक तौर पर अंतिम संस्कार। स्टेट फ्यूनरल में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू समेत करीब 800 VVIPs शामिल हुए। प्राइवेट फ्यूनरल में शाही परिवार के सदस्यों के अलावा सिर्फ क्वीन का पर्सनल स्टाफ शामिल था। आखिरी रस्म की कोई बात सार्वजनिक नहीं की गई। बकिंघम पैलेस ने इसे डिपली पर्सनल फैमिली ओकेशन यानी नितांत निजी कार्यक्रम बताया। उसके वीडियो या फोटो भी जारी नहीं किए गए। रॉयल गार्ड्स की परेड के साथ क्वीन का कॉफिन यानी ताबूत वेस्टमिंस्टर हॉल में वेस्टमिंस्टर एबी लाया गया। शाही परिवार के लोग गन कैरिज तोप गाड़ी के पीछे चल रहे थे। शाही रीति रिवाजों के मुताबिक क्वीन के निधन पर शोक जताया गया। प्रेयर्स हुई। प्राइम मिनिस्टर लीज ट्रस्ट ने छोटा भाषण दिया। शाही परिवार की तरफ से एक प्रस्ताव पढ़ा गया। फिर 2 मिनट का मौन रखा गया। किंग चार्ल्स के अलावा कैमिला, डीन ऑफ विंडसर, प्रिंसेस एनी, प्रिंस एडवर्ड, प्रिंस एंड्रू, प्रिंस विलियम और हैरी पूरे कार्यक्रम में मौजूद रहे। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।